भाई आज इतनी ज़्यादा कुर्तियाँ हो गई कि संभाले नहीं संभल रही हैं मैंने मंगवाई हैं चौदह यानी फोटीन कुर्तियाँ फ्रॉम मीशो ये भी फेस्टिव स्पेशल वीडियो होने वाली है चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं सारी गिर रही है मेरे हाथों से ज वेलकम बैक टू माई चैनल आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है मैं हूँ आप सबकी चहित गीमा आशी और लेके आ गई हूँ एक और आप लोगों की फेवरेट वीडियो आपको एथनिक वेयर देखने में बहुत मजा आता है ये तो मुझे पता चल ही चुका है और अगर वो एथनिक वेयर मीशो से है तो आपको और भी ज्यादा मजा आ जाता है ऐसे में तड़का लग जाता है किसी चीज में वैसा हो जाता है तो ये वीडियो होने वाली है कुर्ती स्पेशल फेस्टिव कुर्ती स्पेशल कह सकते हो आप मतलब आपको तो पता ही है फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो चुका है और मेरी वीडियोस भी काफ़ी कुछ आ रही हैं फेस्टिवल से रिलेटेड एथनिक वेयर की और आप लोग की जैसे डिमांड थी कि इस ऐप से करो उस ऐप से करो तो मैं हर एक कैटेगरी उधर इधर ऐप से शिफ्ट हो हो के कर रही हूँ काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मीशो से आप करो ऐसी कुर्तियाँ नारकली स्ट्रेट और नायरा कट ऐसी कुर्तियाँ वैसी कुर्तियाँ कुछ कॉलेज के हिसाब से चाहिए कुछ ऑफिस के हिसाब से चाहिए कुछ पूजा में रक्षाबंधन के लिए सिंपल कुर्तियाँ चाहिए बजट वाली कुर्तियाँ चाहिए तो भाई इतनी सारी रिक्वेस्ट थी उन सबको माइंड में रख के जब मैं कुर्तियाँ सेलेक्ट कर रही थी तो भाई वो चौदह कुर्तियाँ हुई मतलब हुई तो एटीन थी लेकिन मैंने फिर कोई बेस्ट फोर्टीन ऑर्डर कर दी थी और इसमें से एक कुर्ती है वो लाइक बाय वन गेट वन थी तो टोटल पंद्रह कुर्तियाँ हैं ये और आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको पंद्रह कुर्तियाँ और मुझे लग रहा है मैं बहुत थकने भी वाली हूँ क्योंकि पंद्रह कुर्तियाँ मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ देखने के लिए क्या मंगवाया है कैसा आया है कैसी रहेंगी सारी की सारी कुर्तियाँ और आपको मेरी चॉइसिस कितनी पसंद आती हैं और वैसे भी अब ये लेटेस्ट कलेक्शन जो अपडेट हुआ है मीशो पर ये वही सारी कुर्तियाँ तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि अगर आपने कुछ पसंद किया है विशलेस किया तो पक्का आपको इस वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा इतनी तो मैं आपको गारंटी देती हूँ बाकी अगर आपने नोटिस किया होगा जो मैंने कुर्ता पहना है ये मेरा फेवरेट कुर्ता था अगर आपने मेरी मिंत्रा वाली कुर्ते वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने इस कुर्ते की हज़ार पाँच सौ बार तारीफ़ की थी कि मुझे ये बहुत पसंद आया था बहुत पसंद आया था इसकी स्लीव्स बहुत अच्छी थी तो फिर जब हम एक और फेस्टिव स्पेशल वीडियो कर ही रहे हैं कुर्ती से रिलेटेड तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी फेवरेट कुर्ती पहन के मैं बैठूँ तो ये वो कुर्ती है और इसका अगर आपको लिंक चाहिए तो इस वीडियो में पूरा मैंने लिंक दिए हुए वहाँ जा कर आपको मिल जाएगी तो चलो अभी मैं बताती हूँ कि आज का जो हमारा हॉल है इसमें जो रेंज रहेगी मिनिमम से लाइक like, हाईएस्ट वो क्या रेंज रहती है हमारी जो सबसे सस्ती कुर्ती है वो है दो सौ की और जो सबसे महंगी कुर्ती है मतलब जो मेरा प्राइस रेंज गया है वो है फाइव सेवेंटी वन मतलब आप राउंड फिगर में कह सकते हो तो दो सौ से छः सौ तक की ही इसमें कुर्तियाँ हैं इससे ऊपर वाली कुर्तियाँ नहीं हैं क्योंकि अगर आपने मेरा इससे पहले शरारा वाला हॉल वीडियो देखा होगा जो मैंने किया था शरारा फ्रॉम मीशो तो उससे मुझे काफ़ी चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ गुड बैड और मुझे लगा कि इस रेंज तक में भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी और अगर मैं वही मंगवाऊंगी पंद्रह सौ अट्ठारह सौ ये वो तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम इतना कुर्ती में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं आप हमें सात सौ के अंडर पाँच सौ के अंडर वाली ही कुर्तियाँ दिखाओ तो मैंने इसका बजट इतना ही रखा बहुत ज़्यादा हाई पर मैं नहीं गई हूँ तो जो ये मेरी मिनिमम सबसे दो सौ रुपये वाली कुर्ती है ना दो सौ बारह रुपये वाली कुर्ती है और ये भी पता है पैक ऑफ टू हैं तो मेरे को इसलिए चुल हुई कि भाई एक तो पहले इतनी सस्ती दो सौ बारह एंड पैक ऑफ टू तो ये मैं मंगवा के देखती हूँ और जो सबसे महंगी कुर्ती है वो फाइव सेवेंटी वन रुपीज़ की मतलब आप कह सकते हो तो साढ़े पाँच सौ छः सौ की बस ये मेरा रेंज है तो चलो स्टार्ट करते हैं हम नंबर वन कुर्ती से सबसे पहले मैं आपको वो कुर्ती दिखा रही हूँ जो मतलब इस हॉल में जब मैं ऑर्डर लगाई थी तो ये मेरी पर्सनल फेवरेट थी आप पिक्चर में देख सकते हो ये रेड कलर की कुर्ती है और ये चौदह सौ उन्नीस रुपये की कुर्ती है मुझे ना इसका स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा था एक इस तरीके का ना मैंने टॉप भी मंगवाया था अगर आपको याद होगा तो मुझे पिक्चर मिली तो मैं पिक्चर लगा दूंगी मतलब वो मीशो का ही था तो उसी टॉप का ये लॉन्ग वर्जन पूरा अनारकली कुर्ती थी और मैं समझ गई थी क्या ही इसका सॉफ्ट सा रेन टाइप का फैब्रिक फा, आएगा तो इसलिए मैंने इसको मंगवाया आप देखते हैं चौदह सौ के चौदह नहीं चार सौ के हिसाब से कैसी ये कुर्ती आई है और मैंने साइज़ स्मॉल मंगाया है बिल्कुल वही फैब्रिक है जो मैंने सोचा था ये देखो ऊपर इसका चोली पार्ट ऐसा प्रिंटेड वाला है वी नेक है कॉलर है गोटा पट्टी लगी हुई है स्लीव्स देख सकते हो यहाँ गोटा पट्टी लगी हुई है बैक से आप देखो इसका नीचे वाला पार्ट बिल्कुल प्लेन है बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है और काफ़ी ज़्यादा घेर भी है इसमें इसका फैब्रिक रे है थ्री फोर्थ इसकी स्लीव्स है और ठीक लग रहा है काफ़ी कुर्ता जैसा एक दिखाया है एक तो पहली बार एक्जैक्टली सेम वैसा ही आया है तो क्विकली आपको वियर करके दिखाती हूँ तो आपको समझ आएगा कि पहन के कैसे लगने वाला है गाइस जैसे मैंने बोला था बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रेऑन फैब्रिक है इसका आप पूरा लुक देख सकते हो जैसा पिक्चर में दिखा है एग्जैक्टली वैसी ही कुर्ती है स्लीव्स आप देख सकते हो ये चोली पे जो प्रिंटेड वर्क है नीचे से कितनी प्लेन है कितनी इसकी लेंथ है बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है बैक से भी आप देख सकते हो कितनी लेंथ है फ्रंट से आप देखो तो इसके जो ये चोली है इसमें यहाँ पे बस हल्का हल्का सा वो लगा हुआ है गोटा पट्टी और स्लीव्स में लगा हुआ है बाकी ऐसा जिसमें कुछ भी नहीं हुआ है आप पूरी इसकी लेंथ देखो कि कहाँ तक इसकी लेंथ आ रही है कितना इसका घेर है अकॉर्डिंग टू द प्राइस मुझे बहुत अच्छी लग रही है कुर्ती मतलब जैसा दिखाया एग्जैक्टली exactly ये कुर्ती वैसी ही है इसलिए मैं इसको देती हूँ थम्स अप नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट जो कुर्ती है वो बहुत ही प्यारे से एक ग्रीन कलर की कुर्ती है लाइम ग्रीन कलर की तीन सौ तीस की कुर्ती है आप पिक्चर में देख सकते हो इसका फैब्रिक भी ना रेन फैब्रिक है और एम्ब्रॉयडरी वाली कुर्ती है ये थ्री फोर्थ इसकी स्लीव है तो चलो देखते हैं कैसी रहती है कुर्ती स्मॉल साइज़ की मंगवाई है मैंने ये एक्जैक्टली सेम वही कुर्ती आई है रेऑन फैब्रिक है इसका सॉफ्ट फैब्रिक है पूरा थ्रेड वर्क हुआ हुआ है ग्रीन पे पिंक बहुत ही ज़्यादा खिल के आ रहा है राउंड इसका नेक है थ्री फोर स्लीव्स है स्लीव्स के एंड में भी आपको थोड़ी कढ़ाई मिल जाएगी देख सकते हो अनारकली है लेकिन बहुत ज़्यादा घेर वाली कुर्ती नहीं है ठीक ठाक घेरा ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा दोनों तरफ आपको ऐसे ये रिबन मिल डोरी मिलेगी जिसको आप बांध सकते हो और थोड़ी अच्छी सी फिटिंग भी दे सकते हो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है एंड अगेन तीन सौ के हिसाब से टोटली वर्थित लग रही है मैं बाकी इसको पहन के और अच्छे से आपको पहन के इसका पूरा फिट एंड लुक दिखाती हूँ आप ईजिली समझ जाओगे भैया का क्या हैं Guys, इस कुर्ती के कलर कॉम्बिनेशन कितने अच्छे लग रहे हैं आप पहले चोली ही देखो इसकी पूरा ये जो थ्रेड वर्क हुआ हुआ है कितना अच्छा लग रहा है परफेक्ट फिटिंग आई है मुझे इसकी और ये जो दोनों डोरियाँ आप आगे पीछे कहीं भी बांध सकते हो मैंने ये साइड में बांध दिया ग्रीन एंड मर्जेंटा पिंक का कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है कुर्ती की लेंथ आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है बिल्कुल नीस तक ही आ रही है मतलब नीस से थोड़ी नीचे ये कुर्ती आ रही है पर ए स्ट्रेट काइंड ऑफ ये कुर्ती है आप बैक से भी देखो घेर ज़्यादा नहीं है लेकिन ये कुर्ती मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है पहली बात तो इसकी फिटिंग मुझे बिल्कुल प्रॉपर आई है मतलब जो स्लीव्स है स्लीव्स की लेंथ शोल्डर बिल्कुल प्रॉपर जगह पे आ रहे हैं चोली आप देख सकते हो कितनी प्रॉपर फिट की तो मुझे इसको फिट कराने की ज़रूरत ही नहीं है और जो बेस्ट पार्ट है यहाँ पे जो ये डोरी दी हुई है उससे तो थोड़ा बहुत भी वेस्ट की फिटिंग है वो इस डोरी से हो जाए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है आप इसको इमेजिन करके देखो पिंक कलर की इसी पिंक कलर की आपने अगर नीचे लेगिंग्स पहनी है तो एक कितनी ज़्यादा सुंदर कुर्ती लगने वाली है एंड जो इसका प्राइस है उसके अकॉर्डिंग तो एक ट्रस्ट में ये बहुत अच्छी कुर्ती है थम्स अप मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट जो हमारी कुर्ती है वो आप देख सकते हो कितनी प्यारी सी टाई एंड डाई प्रिंट वाली ये कुर्ती है इसमें ना दो कलर के ऑप्शन थे एक ब्लू एंड पिंक मैंने ये पिंक मंगवाया है ये टू एटी फोर रुपीज़ की है ये कुर्ती और इसका फैब्रिक भी ना रे ऑन है और ना ये स्लीवलेस कुर्ती है मैंने इसका साइज़ स्मॉल मंगवाया है और इसमें स्मॉल साइज़ में थर्टी सिक्स लिखा हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट प्यारा रे मटीरियल है और बहुत मस्त लग रही है कुर्ती मतलब एग्जैक्टली जैसी दिखाई है ना टाई एंड डाई वाली वैसी ये कुर्ती है स्ट्रेट कुर्ती है स्लीवलेस कुर्ती है राउंड इसका नेक है पहले मैं चेक करूँ कि इसके अंदर इन्होंने स्लीवलेस तो लिखा है और इन्होंने स्लीव्स अटैच की हैं या नहीं की हैं नहीं इसमें कोई भी स्लीव्स अटैच नहीं है उन्होंने मेंशन वैसे किया हुआ ये है, स्लीवलेस काफ़ी बार दे देते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है लेकिन हाँ तीन बार लेकिन बोल दिया ये कुर्ती बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है जीन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और ऐसी स्ट्रेट कुर्तियाँ ना सॉरी आ... ऐसी स्ट्रेट कुर्तियाँ ना वाइड लेग जीन्स के साथ स्नीकर्स के साथ बहुत ज़्यादा मस्त लगती है और आजकल वाला गाना तो चल ही रहा है अपने भी पिंड में ठक ठक एक फुलझड़ी थी गाना और गंदा गाती हूँ फील को समझो सब, गाने को समझो नहीं नहीं भावनाओं को समझो और सौ पे मत जाओ ये मुझे कहना है और ये वैसी सी कुर्ती लग रही है बहुत प्यारी पूरी गर्लिश बस पहन के देखती हूँ हल्की सी लूज़ होगी फिटिंग विटिंग करा लेंगे लेकिन पैसा वसूल लग रही है बाकी पहन के आती हूँ गाइस मैं क्या बताऊँ ये कुर्ती इतनी प्यारी लग रही इसका है इसका फैब्रिक इतना सॉफ्ट है एंड अगर मैं रेंज जो इसका प्राइस है उससे इसको कंपेयर करूँ ना तो टोटली वर्थ इट है और मैं अभी ही इसको थम्स अप दे देती हूँ क्योंकि अगर हम मार्केट में कपड़ा लेने जाएंगे और फिर स्टिचिंग करवाएंगे मुझे नहीं लगता इतनी सस्ती ये कुर्ती मिल पाएगी ये थोड़ी सी मुझे लूज़ थी वेस्ट से अभी मैंने इसको पीछे से पेन लगा के टेम्प्रेरी फिट किया लेकिन आप देखो ना ये टाई एंड डाई कितना सुंदर लग रहा है कितनी परफेक्ट ये कुर्ती लग रही है स्लीवलेस राउंड नेक कुर्ती की आप लेंथ देख सकते हो कितनी लंबी है बैक से आप देखो आप समझ जाओगे कि मुझे लूज थी तो मैंने यहाँ पेन लगाई है लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है बहुत ज़्यादा मतलब कलर भी कह सकते हो इसका पूरा मतलब फैब्रिक भी कह सकते हो स्टिचिंग भी कह सकते हो मतलब टोटली वर्थ इट है मतलब आप जिस चीज़ के पैसे दे रहे हो ना उसके हिसाब से मैं बहुत खुश हो रही हूँ कुछ अच्छी अच्छी कुर्तियाँ पहन के थम्स अप नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट है हमारी रेयन अनारकली कुर्ती ये वाइट कलर की कुर्ती आप देख सकते हो ये प्रिंटेड कुर्ती है थ्री फोर्थ इसकी स्लीव्स है मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी वो नेक में आप देखो जो डिज़ाइनिंग हुई हुई है और नीचे जो पूरा अनारकली वाला आ रहा है उसमें जो ये प्रिंट हुआ हुआ है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है फोर फोर्टी नाइन रुपीज़ की कुर्ती है मतलब साढ़े चार सौ रुपये की ये कुर्ती है और मैंने साइज स्मॉल मंगवाया है यार ये बहुत प्यारी लग रही है यार ये ये सच में बहुत प्यारी लग रही है साढ़े चार सौ रुपये के हिसाब से मैं आपको दिखाती हूँ आप इसका ये नेक देखो इसमें हल्का सा आगे ऐसे वी कटआउट है और आपको इसमें ये डोरियां मिल जाएंगी जो आप बांध सकते हो नेक पे ऐसे स्क्वायर टाइप में थ्रेड वर्क हुआ हुआ है इसकी थ्री फोर्थ स्लीव्स हैं। पूरे ही फैब्रिक में आपको दिखेगा ऐसे गोल्डन गोल्डन छोटी छोटा सा प्रिंट हुआ हुआ है अब आप देखो इसका अनारकली अच्छा खासा आपको इसमें घेर मिलेगा और नीचे बॉर्डर में भी ना आपको दो ऐसे कपड़े मिलेंगे और दोनों कपड़ों में प्रिंट है एक में अलग प्रिंट है एक में अलग प्रिंट है और ये कितना ज़्यादा घेर वाला है और यार जैसा पिक्चर में दिखाया है एग्जैक्टली सेम वैसा ही आया फैब्रिक भी बहुत अच्छा है और मुझे लग रहा था यहाँ पर भी प्रिंट होगा मैं देख के इसलिए खुश हुई कि यहाँ पर पूरा ऐसा थ्रेड वाला वर्क हुआ हुआ है ये बहुत ज्यादा अच्छी लग रही गाय बहुत ज्यादा अच्छी पैसा वसूल तो मुझे ये भी लग रही है फटाफट से बिहार करके आती हूँ पेश करती हूँ मेरी फेवरेट कुर्ती गाय ये बहुत ज्यादा प्यारी कुर्ती लग रही है पूरा आप इसका लुक देखो नीचे इसका घेर देखो कितना अच्छा खासा इसका घेर है मैंने कोई भी पिन लगा के अभी फिटिंग नहीं की है इसके शोल्डर्स बिल्कुल परफेक्ट जगह पर आ रहे हैं नेक पे या पूरा कटआउट जो भी है अलग से पैच इस पे धागे का वर्क देखो नेक पे देखो स्लीवस देखो पूरा एक गोल्डन गोल्डन प्रिंट हुआ हुआ है बिल्कुल प्लेन इसका कपड़ा नहीं है आप नीचे देख सकते हो कितना घेर है दो प्रिंट वाले पीसेस में अटैच हुए हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही है मुझे बहुत प्यारी मतलब आपको इस कुर्ती को देख के आपको दिल खुश हो जाएगा और सोचो ये सॉल की सबसे महंगी कुर्ती नहीं है फिर भी आपको लाइक इस रेंज में ये कुर्ती मिल रही है और सब कुछ बहुत अच्छा है मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो और, और आप जैसा देख रहे हो ना आप ऑर्डर करोगे आपको वैसे ही मिलेगा एंड आप लिटरली खुश हो गए इसको लेके कि बहुत अच्छी कुर्ती थी डबल थम्स अप है इसके लिए तो मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट जो हमारी कुर्ती है वो है ये कुर्ती ऑरेंज कलर की ये भी रेन फैब्रिक की है ए लाइन कुर्ती है थ्री फोर स्लीव्स है तीन सौ रुपये की है एंड स्मॉल साइज़ की है इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस थे लेकिन मैंने ऑरेंज मंगवाया फॉर अ चेंज कि अच्छा लग रहा था ऑरेंज के साथ मुझे मल्टी कलर प्रिंट फैब्रिक यूज़ हुआ, हुआ हुआ अब मैं आपको एक बात बताती हूँ जो ये वाला फैब्रिक है ना प्लेन फैब्रिक रे ये तो बिल्कुल ठीक है जैसा सॉफ्ट अपना रे होता ही है इसमें भी आपको सेम ऐसे डोरी दे दी जाएगी जिससे आप बांध के टाइट कर सको आप देख सकते हो राउंड नेक में हल्का सा से वी कट आउट है और कैसी कितनी ज़्यादा फ्रॉक ए लाइन ये टाइप की कुर्ती है अब जो ये वाला फैब्रिक है ना ये वाला ये प्रिंटेड सा फैब्रिक जो यहाँ यूज़ हुआ है और नेक में यूज़ हुआ है ये ना थोड़ा सा कड़कड़ -कड़ फैब्रिक है बहुत हार्ड है अब क्या पता ये वॉश के बाद हो जाए सॉफ्ट अभी इसमें कुछ ऐसा स्टार्च वगैरह वाला कुछ चीज़ हो इसलिए ये इतना खड़ा खड़ा सा लग रहा है मेरे को बस ये मुझे कंपेयर टू दिस ऑरेंज फैब्रिक उतना अच्छा नहीं लग रहा है फ़ील करने में बाकी वॉश के बाद आई डोंट नो कैसा हो बाकी आप पूरी कुर्ती देख सकते हो जैसा पिक्चर में दिखा है exactly एग्जैक्टली वैसी ही कुर्ती आई है और मैंने अभी नोटिस करा इस कुर्ती के चारों तरफ ना ने, यहाँ नेक पे एक पोमपम वाली लेस लगी हुई है इधर आपको दिखे तो और इसकी स्टिचिंग भी ठीक है इतनी बुरी तो नहीं है और ये जो पोमपम वाली लेस है ना उसकी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है आप देखो कैसी लग रही है तो ना ही लगाते तो भी बेटर ही लगता ये इतनी खराब हालत से तो बाकी मैं देखती हूँ क्या पता अच्छी लग भी रही है नहीं लग रही है आप खुद ही समझ जाओगे आते ये कुर्ती में वो चीज तो है जितना अच्छा फैब्रिक इस ऑरेंज मटेरियल का है ना उतना ही मतलब उससे हार्ड ये है ये वाला मटेरियल अगर मैं कंपेयर करूँ इतना ज़्यादा चुभ नहीं रहा है लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ ये इतना स्मूथ है उसके कंपेरिजन में ये थोड़ा हार्ड तो है ही पूरा आप इसका लुक देख सकते हो कि नेक में भी वही प्रिंटेड मटेरियल है अब इसमें डोरी दो तरफ थी एक आगे एक पीछे मतलब इन दोनों को मैंने इधर बांध लिया ऐसे ही सेम यहाँ पर एक आगे और पीछे थी इन दोनों को मैंने इधर बांध लिया आप इसकी लेंथ भी देख सकते हो घुटने से नीचे की ये कुर्ती तो है और इसकी स्लीवस की लेंथ आप देखो मुझे ये ना कुर्ती ओकेश लग रही है बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आई है बहुत ज़्यादा पसंद आई होती तो मैं आपको बोल देती ये फैब्रिक अगर बिल्कुल इसी तरह स्मूद होता ना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती प्लस ये जो इसके पॉम पॉम वाली लेस लगी है ना ये भी मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही है तो ओकेश कुर्ती है मतलब इस रेट के हिसाब से बाकी आप एक बार बैग से भी देख लो तो बाकी इसकी चॉइस मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ आप मुझे कमेंट से बताना ये ऑरेंज कुर्ती लग कैसी रही है चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ फाइनली इस हॉल में मैंने नायरा कट वाली कुर्ती ऑर्डर कर ही दी थी वरना तो मुझे लग रहा था मैं मुझसे मिस ना हो गई हूँ हु। मिंत्रा वाले हॉल में मुझसे मिस हो गई थी ये हमारी कुर्ती है आपके सामने इसमें इतने सारे कलर के ऑप्शन थे ना मैंने ये ना ये पर्पल जामनी सा कलर मंगवाया क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है और ये कुर्ती है थ्री हंड्रेड फिफ्टी एट रुपीज की मैंने मंगवाया है साइज स्मॉल ये है रेन कुर्ती विथ थ्री फोर्थ स्लीव भाई मैं सेम कुर्ती दिखा रही हूं ना मुझे लग नहीं रहा है कि मैं सेम कुर्ती दिखा रही हूँ मैंने गलत कुर्ती खोल दी थी ये है वो कुर्ती साइज़ स्मॉल थर्टी सिक्स आपके सामने है इसमें पूरी में छोटे छोटे से प्रिंट हुए हुए हैं वाइट एंड गोल्डन ये पूरी ही प्रिंटेड कुर्ती है नेक में भी पूरा प्रिंट है थ्री फोर स्लीव्स से भी ये पूरा प्रिंट है और साइड से सा आपको ये आपका मिल जाएगा नायरा कट देख सकते हो आप लेकिन ये प्रॉपर नायरा कट तो मुझे नहीं लग रहा है पहन के क्या पता समझ आया ऐसे तो नहीं समझ आ रहा नायरा कट में यही होता है एक को कोने से पूरा ऐसा बॉर्डर आ रहा होता है वो है पूरा और ये कट है इसमें कोई डोरी नहीं है फिटिंग के लिए ये बिल्कुल एग्जैक्टली exactly सेम जैसी कुर्ती दिखाई है वही आई है लेकिन इन प्रिंटेड कुर्ती में क्या होता है अभी तो बहुत अच्छा प्रिंट दिख रहा है लेकिन आप जब इसको रेगुलर पहनो वॉश करो तो धीरे धीरे ये ना प्रिंट बिल्कुल फेड हो जाता है और फिर बहुत ही बेकार लगने लगती है तो मुझे था कि शायद यहाँ होगा प्रिंट इसमें प्रिंट नहीं होगा लेकिन ये पूरी ही प्रिंट वाली कुर्ती है लेकिन देखते हैं कैसे लगती है ये पहन के और हाँ, मुझे लग रहा है मैं सैकड़ों लाख बार बोल चुकी हूँ लेकिन 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 मतलब 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 चलो भैया क्या आती हूँ फाइनली आप में से कुछ लोगों का बहुत फेवरेट नायरा कट कुर्ती जो इतनी ज्यादा ट्रेंड कर रही है आप देख सकते हो ये कुर्ती कैसी लग रही है फैब्रिक बहुत स्मूथ है फिटिंग भी ठीक है आप देख सकते हो जो इसका नायरा कट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक का है आप लेंथ देख सकते हो प्रिंट देख सकते हो पूरा बैक में भी इसके प्रिंट है फ्रंट में भी प्रिंट है पूरी प्रिंटेड यह कुर्ती है और जैसा पिक्चर में दिखाया एग्जैक्टली सेम वैसा ही आई है कहीं से भी फैब्रिक चुभ नहीं रहा है स्टिचिंग बहुत अच्छी है मतलब मैं क्या बोलूँ बिल्कुल आपके सामने है मुझे तो आज की सारी कुर्तियों को रिव्यू करने में काफ़ी लोग बोलेंगे झूठा रिव्यू लेकिन ट्रस्ट नहीं मिले जो अच्छा होता है अच्छा होता है बुरा होता है बुरा होता है बिल्कुल जेनविन और ऑनेस्ट रिव्यू है मेरे ये ट्रस्ट मी जो दिखाया है वही आया है बाकी आप पूरा लुक देख सकते हो फिटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है साइज ऊपर नीचे होगा लेकिन एक्जैक्टली सेम ये वही कुर्ती है तो इसी रीज़न से मैं इसको देती हूँ थम्स अप आप, मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ जो कुर्ती मैंने खोल दी थी वो है ये कुर्ती इसमें तीन चार कलर के ऑप्शंस थे ब्लैक मरून ग्रीन तो मैंने ये मरून कलर मंगवाया है ये अनारकली टाइप की कुर्ती है तीन सौ की कुर्ती है और इसका फैब्रिक भी रे है थ्री फोर्थ इसकी स्लीव्स है इसका मतलब सॉलिड कलर की कुर्ती है बस नेक में हल्का सा पैटर्न है तो ये थी वो कुर्ती और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे लग रहा था प्रॉपर मरून कलर आएगा लेकिन ये मरून कलर भी ना मतलब डार्क ब्राउनिश मरून कलर है इसका आप देखो साइज़ मैंने स्मॉल मंगवाया है इसकी चेस्ट थर्टी सिक्स है देखो नेक पे ये अलग से ही पूरा कटआउट पीस लगा हुआ है इसकी स्लीवस में यहाँ पे आपको हल्का सा वो एक प्रिंट मिल जाएगा देख सकते हो आप इतना इसका अनारकली वाला नीचे का सीन होगा और नीचे छोटा छोटा सा एक बॉर्डर भी मिल जाएगा वही सेम गोल्डन गोल्डन प्रिंट वाला जो बॉर्डर आपका होगा इतना आप देख सकते हो अनारकली की नीचे से चौड़ाई क्योंकि मतलब तीन सौ दस रुपये के हिसाब से ये जो आपको कुर्ती मिल रही है ना रेन फैब्रिक काफ़ी ठीक मुझे लग रही है मैं पहन के पूरा लुक भी आपको इसका एक बार दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है पहन के अगर आपके पास गोल्डन प्लाजो वगैरह हो आप तो आप इसके नीचे वो पहन सकते हो चुन्नी ले सकते हो गोल्डन ईयर वगैरह के साथ काफ़ी अच्छा और डिसेंटली लगने वाला है एंड प्राइस के हिसाब से तो मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है वियर करके बताती हूँ गाइस ये प्रॉपर आप पहले इसकी शेप देखो ये ए शेप की कुर्ती है बिल्कुल प्लेन सॉलिड ये कुर्ती मैंने अभी इसको पहनने के लिए कोई फिटिंग विटिंग नहीं किया आप इसकी स्लीव्स की लेंथ देख सकते हो ये जो भी इस पर बीच में पैच लगा है यहाँ पे जो लगा है ये पैच ये सब कुछ गोल्डन प्रिंट वाला पैच है आप पास से देख सकते हो पूरा इस पे प्रिंट हुआ हुआ है स्लीव से भी ऐसे आपको प्रिंट हुआ हुआ मिल जाएगा बैक से भी आप देख सकते हो बैक से ये कैसी है कहां तक की इसकी लेंथ है मतलब ये काफ़ी स्ट्रेट टाइप के सी ए टाइप की कुर्ती है और अभी इसका मटेरियल सॉफ्ट है लेकिन कंपेयर करूँ मैंने जितनी अभी तक रेयन कुर्ती पहनी थोड़ा हार्ड है लाइक अभी थोड़ा हार्ड लग रहा है मे बी ये एक वॉश के बाद थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा अभी लेकिन उतना जो इसका लुक आ रहा है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है जैसा पिक्चर में दिखाया बिल्कुल वैसा ही ये मरून कलर ही है लेकिन थोड़ा सा ब्राउनिश मरून है और मुझे काफ़ी ठीक लग रही है कुर्ती कोई ऐसी दिक्कत नहीं लग रही है आप देख सकते हो कितनी डिसेंट और प्यारी सी कुर्ती अगर आप टीचर वगैरह हो तो स्कूल में भी आप इसको पहन के जा सकते हो बैंक में जॉब करते हैं कहीं जॉब कर तो आप पहन के जा सकते हो बहुत प्यारी सी और डिसेंट सी कुर्ती है एंड प्राइस के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी है थम्स अप मैं आज बहुत खुश हो रही हूँ कि काफी अच्छी अच्छी कुर्तियों के ऑप्शन मिले हैं मुझे इस बार मीशो से मतलब मेरा एक्सपीरियंस इस बार का बहुत अच्छा जा रहा है आई होप आपको भी वीडियोस देखने में मज़ा आ रहा होगा आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही इसके लिए थम्स अप है नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट हमारी वो कुर्ती है जो इस हॉल की सबसे महंगी कुर्ती है फाइव सेवेंटी वन रुपीज़ की ये मीडियम साइज से ही शुरू है तो मैंने मीडियम इसका साइज मंगवाया है इसका भी मटीरियल रे है पैटर्न इसका सॉलिड सिंगल कलर पैटर्न है थ्री फोर्थ इसकी स्लीव्स है आप देखते हैं कि कैसी ये कुर्ती आई है मतलब पाँच सौ के हिसाब से वर्थ इट है या नहीं है थोड़ी भारी तो लग रही है देखो थोड़ा सीक्विन वर्क भी लग रहा है इसमें अब मैं देखू गाइज वर्थ इट तो है क्योंकि बहुत ज्यादा घेर और कपड़ा इसमें यूज हुआ है जिसके उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं अब मैं आपको दिखाऊँ ये इसका नेक है वी थोड़ा सा कटआउट है जो आगे स्क्वायर पैटर्न वाला नेक है इस पर आप देख सकते हो थ्रेड एंड सीक्वेंस वाला पूरा वर्क हुआ हुआ है थ्री फोर्थ इसकी स्लीव्स है स्लीव्स बिल्कुल प्लेन है पीछे से आप देख सकते हो कोई भी वर्क नहीं हुआ है पूरे ही फैब्रिक में डॉट 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 बने हुए हैं ग्रेइश कलर के अब मैं आपको इसका घेर दिखाऊं तो आप देखो इसका घेर बहुत ज़्यादा है और सबसे लास्ट वाला जो ऐसे है ना उस पर प्रिंट हुआ हुआ है बीच बीच में ऐसे कटिंग लगी हुई है जैसे फ्रॉक में होता है ना बिल्कुल वैसा ही इसका प्यारा सा बहुत घेर है फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है इसमें कोई भी अस्तर नहीं लगा हुआ है लेकिन काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे हल्का मतलब साढ़े पाँच सौ रुपये के हिसाब से कुर्ती ठीक लग रही है ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है सही लग रही है ये डोरी वगैरह में भी आप देख सकते थोड़ी मोती वोती लगी हुई है लेकिन अच्छी लग रही है मुझे कलर भी बहुत अलग सा लग रहा है वे अगर क्या आती हूँ तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कैसी लग रही है माना ये कुर्ती इस हॉल की सबसे महंगी कुर्ती है लेकिन इसका कलर इसका फैब्रिक इसका लुक इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है ना मुझे काफी ज्यादा लूज है मैंने पिन से इसको पहना लाइक टाइट करके पहना है जस्ट आपको लुक दिखाने के लिए ये कुर्ती कैसी लगेगी आप देखो इसका घेर इसमें घेर भी अच्छा खासा घेर है फैब्रिक बहुत ज्यादा स्मूथ है बैक साइड भी आप देख सकते हो कि मैंने कितनी क्या फिटिंग दी है जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे मैंने इसको फिटिंग दिया है स्लीव्स आप देख सकते हो स्लीव्स की लेंथ आप देख सकते हो नेक पे देख सकते हो ये जो वर्क हुआ हुआ है और ये हल्का सा जो ऊपर ये कटआउट है ये डोरियां है बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है मतलब इट है आप जिस चीज के पैसे दोगे वही आपको मिलेगा और मुझे सबसे अच्छी बात क्या लग रही मतलब जो बोला गया है ना घेर वो है इसमें काफ़ी स्ट्रेट सी कुर्ती नहीं लग रही काफ़ी लॉन्ग कुर्ती है चोली की लेंथ भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है एक्चुअली ये एम साइज़ है तो अगर आपको थोड़ी बड़ी भी लग रही होगी तो इस वजह से लग रही होगी ये साइज़ एम है लेकिन वैसे जो दिखाया है वही एक्चुअल प्रोडक्ट आया मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है काफ़ी अलग सा ये कलर है तो इसी रीज़न से मैं तो इसको थम्स अप देती हूँ आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट जो कुर्ती है ना जिसको मैं बोल रही थी पैक ऑफ टू है वो 212 रुपए की कुर्ती है प्योर क्रेप प्रिंटेड कुर्ती लिखा हुआ है उसमें और ऐसे ना ऐसे सेट ऑफ़ टू सेट ऑफ टू थे तो मैंने ना कि येलो और रेड का कॉम्बिनेशन में मंगवाया था थ्री फोर्थ स्लीव्स की कुर्तियाँ हैं प्रिंटेड और क्रेप मटेरियल की कॉम्बो ऑफ पैक ऑफ टू दोनों ही देखो कैसी आती हैं यही दो कलर यही दो प्रिंट थे जो एग्जैक्टली exactly सेम पिक्चर में दिखाएँ और वही मुझे रिसीव हुए हैं दो सौ बारह रुपये की कुर्तियाँ मतलब बोल सकते हो कि मतलब 105, 106 रुपए की ये एक कुर्ती है कितनी सौ रुपये के हिसाब से आपको क्या मिल रहा है विथ स्टिचिंग मटेरियल ये मुझे देखने की बहुत चुल हो गई थी क्रेप मटेरियल में थोड़ी गर्मी तो लगती है और बिल्कुल प्रॉपर स्टिचिंग हुई हुई है यार मुझे तो बहुत चीप स्टिचिंग ना हो लेकिन स्टिचिंग में इन्होंने ऐसा कुछ भी झोल नहीं किया है बिल्कुल प्रॉपर स्टिचिंग है कुर्ता आप देख सकते हो बिल्कुल सही लग रहा है स्मॉल साइज़ का ये कुर्ता है और मुझे कहीं से कोई भी शिकायत वाला चीज़ तो अभी फील बिल्कुल भी नहीं हो रहा आप पास से बिल्कुल देखो इसकी नेक की कटिंग देखो कितनी फाइन तरीके से कटिंग होकर सिलाई हुई हुई है देखो प्रॉपर ब्रांडिंग हुई हुई है ये सौ रुपये का कुर्ता है सरोजनी तो यहीं पे आ गया है मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ देखो ये है इसका दूसरा कुर्ता इसके कलर कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं खेत लग रहा है पूरा पीले सरसों के फूल निकले हुए खेत पे बहुत प्यारी लग रही है यार ये कुर्ती अब भाई डोंट नो कि इतनी सस्ती है कैसे है क्रेप मटेरियल सस्ता आता है या क्या सीन है दोनों फटाफट से वियर करके दिखाती हूँ सौ रुपये की कुर्ती सरोजनी सरोजनी सौ रुपये की कुर्ती सौ रुपये की कुर्ती चलो विया करके आती हूँ गाय से सौ रुपये की कुर्ती में मैं तो सौ रुपये ही बोलूँगी मुझे तो कोई कमी लग ही नहीं दिया आप पूरा इसका लुक देख सकते हो माना थोड़ी लूज है या फिटिंग की ज़रूरत हो जाएगी लेकिन आप देखो जो प्रिंट दिखाया है एग्जैक्टली सेम वही प्रिंट आया है आप कुर्ती की लेंथ देख सकते हो कहाँ तक है स्लीव्स के आप इसकी लेंथ देख सकते हो जो क्रेप मटेरियल होता है ना वो थोड़ा सा गर्मी करता है थोड़ा सा पॉलिस्टर काइंड ऑफ वो होता है लेकिन ये इतना ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है अभी जैसे इस रूम में ए चल रहा है मैं पहन के इसको आई हूँ तो मुझे बहुत नॉर्मल लग रहा है इतना बुरा नहीं लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी बहुत ज़्यादा बॉडी से चिपक रहा होगा सच अभी तो मुझे फील नहीं हुआ लेकिन हाँ अगर मैं बाहर जाऊंगी तो हो सकता है रेन और कॉटन के कंपेरिजन में इसमें मुझे ज्यादा गर्मी लगे लेकिन अगेन सौ रुपए के आगे मैं देखूंगी तो भी तो आप देख लो ये वाली कुर्ती तो मैं आपको दूसरी कुर्ती भी दिखा देती हूँ कि वो लग कैसी रही है वन टू थ्री देखो इस वाली का कलर कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है है तो दोनों के ही कलर बहुत अच्छे वो अपनी जगह बहुत अच्छा लग रहा है ये अपनी जगह बहुत अच्छी लग रही है लेकिन मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें येलो है आपको पता है मुझे येलो कितना ज़्यादा पसंद है बिल्कुल प्यारी सी सिंपल सी ये कुर्ती है राउंड नेक आप इसकी मतलब स्टिचिंग भी बहुत ज़्यादा फाइन हुई हुई है स्लीवस की आप लेंथ देख सकते हो यार मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मतलब यार क्या ही आ रहा है दो सौ में दो कुर्तियाँ इतना सस्ता सरोजनी में भी नहीं मिलता है आप देख सकते हो सीरीसली मेरी तरफ से मैंने पूरा पहन के आपको दिखाया अब आप देखो ये लग कैसी आप खुद ही जज कर सकते हो तो मैं तो ऑब्वियसली इसको थम्स अप दूंगी ना थम्स अप चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं इतनी देर से सोच रही थी यार मैंने कोई ब्लैक कलर की कुर्ती नहीं मंगवाई फिर जब मैंने बचे हुए पैकेट्स खोले मैंने कहा भाई तीन तीन ब्लैक कलर की कुर्तियाँ कहाँ छुपी थी तुम ये कुर्ती है तीन सौ की ये एम साइज से ही शुरू होती है तो मैंने इसका एम ही साइज़ मंगवाया है रियॉन मटीरियल थ्री फोर्थ इसकी स्लीव हैं आप ज़रा पिक्चर में देखो और इन इसको बहुत अच्छी खासी रेटिंग मिली हुई है 4.3 5913 लोग इसको मंगवा चुके हैं 3480 लोगों ने इसको फाइव स्टार दिए हैं तो मुझे तो हो गया भाई मैं भी ट्राई करती हूँ अगर ये इतनी ज़्यादा सुंदर कुर्ती है तो ये पूरी ब्लैक कुर्ती है बस बीच में ना थ्रेड वर्क हुआ हुआ है और स्लीव्स के एंड में थ्रेड वर्क हुआ हुआ है और ये जो मुझे रिसीव हुई है ना ये एक्जैक्टली सेम वैसे यह किसी ना किसी रीज़न की वजह से इसको तीन कुछ लोगों ने थम्स अप दिया है फाइव स्टार सबसे स्मूथ अब तक का रे फैब्रिक जो है ना वो इस कुर्ती का है मतलब छूते ही मज़ा आ गया मेरे को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और आप जरा देखो ओ ये तो मैंने अब नोटिस किया कि इसमें पूरा ऐसा सीन है ये पूरी ऐसे डिजाइनिंग हुई हुई है ये पिक्चर में तो मुझे नहीं दिखी थी कि पूरी ऐसे स्लीव्स में डिज़ाइनिंग है कि ये बंद होंगे आपको फिर नीचे स्लीव्स में भी पूरा ऐसा कढ़ाई वाला वर्क मिलेगा इसमें बीच बीच में आपको मिरर टाइप का जो दिख रहा है वो सीक्वेंट पेस्ट हुए हुए हैं फ्रंट आप देखो बीच में आपको बड़ा सा प्रिंट मिलेगा इधर भी सेम चीज़ स्लीव्स बैक बिल्कुल प्लेन लेकिन ये जो कढ़ाई है ना आप इसको पास से देखो कितनी ज़्यादा प्यारी सी ये घुती हुई कढ़ाई है देखो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है कढ़ाई इसी की वजह से पूरा इस कुर्ते का लुक है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम कढ़ाई बटन कितने ज़्यादा अच्छे यूज़ हुए हैं और जिस जो इसका प्राइस है उस तो हिसाब से तो ये देखने में वाव कुर्ती है बस मैं वी अगर की और आपको दिखा देती हूँ कि कैसी लग रही है बेस्ट डिसीजन होगा अगर आप ये कुर्ती लोगे तो क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है आप ज़रा ये देखो ये स्लीव्स में जो आपको ये डिज़ाइन मिल रहा है यहाँ पे पूरा चौड़ा आपको थ्रेड वर्क वाला काम मिल रहा है यहाँ पे पूरी एम्ब्रॉयडरी मिल रही है थ्रेड वर्क वाली फैब्रिक बहुत ज़्यादा स्मूथ है कुर्ते की लेंथ आप देख सकते हो कि कहाँ तक आ रही है नीच से नीचे तक कुर्ते की लेंथ है बैक से भी आप देख सकते हो मुझे कुर्ता लूस है तो मैंने पेन लगा के पहना है आप स्लीव्स की लेंथ देख सकते हो बाकी पूरा लुक देख सकते हो कुर्ते का कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ब्लैक कलर पे मल्टी कलर वर्क बिल्कुल वाव ये कुर्ती है और आधे ज़्यादा मज़ा तो मुझे इस बात से आ गया कि इसकी स्लीव्स में इतनी डिज़ाइनिंग है मैंने तो सिर्फ ये ब्लैक कुर्ता और ये थ्रेड वाला वर्क देख के मंगवाया था मेरे पास एक लिबास की कुर्ती है कॉटन कौट, की शॉर्ट कुर्ती ब्लैक कलर की उसमें भी पूरा यहाँ से यहाँ तक ना थ्रेड वर्क हुआ हुआ है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज ऑफ थ्रेड वर्क ब्लैक के ऊपर इतना मल्टी कलर थ्रेड वर्क है ये बस उसी का ही पार्ट समझ लो कि यहाँ पर भी पूरा थ्रेड वर्क है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है अलग थम्स अप आँख बंद करके कुर्ती ले लो अगर आपको पसंद आ रही है तो फिर बाद में मुझे थैंक यू बोल देना मुझे अच्छा लगेगा चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ हरे झुमका ओए झुमका ये गाना इसलिए याद आए क्योंकि इस कुर्ती का नाम है झुमका प्रिंट कुर्ती दो सौ चौदह रुपये की ये कुर्ती है मतलब ये भी कह सकते हो इस हॉल की सबसे सस्ती कुर्ती वो दो सौ बारह रुपये की थी ये दो सौ चौदह रुपये की कुर्ती है इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस थे ब्लू ब्लैक मरून ग्रीन डार्क ब्लू नेवी ब्लू ये था फ्री साइज़ एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल सारे इसमें आ, वो थे क्या नाम है साइजेस ठीक है अब इसमें बस ये लिखा है कि आ, ये प्रिंटेड कुर्ती है स्लीवलेस कुर्ती है अब छू के देखते हैं इसका क्या फैब्रिक है मैंने साइज थर्टी सिक्स मंगवाया है स्मॉल साइज रेयन ही फैब्रिक है इसका थोड़ा सस्ता वाला रे आप बोल सकते हो पूरी कुर्ती में आगे और पूरी कुर्ती में पीछे पूरा प्रिंट हुआ हुआ है मुझे था पीछे से प्लेन होगी पहले आप पीछे से देखो पूरी ऐसे प्रिंटेड रेड और गोल्डन झुमकियाँ बनी हुई है नीचे आपको बॉर्डर भी मिल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कुर्ती मुझे फंस के टाइट ना आए देख सकते हो आप बिल्कुल स्ट्रेट स्लीवलेस कुर्ती है ये इसके अंदर कोई भी स्लीवस अटैच नहीं हैं ठीक है राउंड नेक है पीछे से भी राउंड नेक है बहुत क्यूट और बहुत प्यारी सी ब्लैक कलर की कुर्ती लग रही है इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन है लेकिन मेरा दिल ब्लैक पे है क्योंकि मुझे ब्लैक के साथ ये प्रिंटेड पिंक का कॉम्बो बहुत अच्छा लग रहा था वीआ करके आती हूँ दो सौ के हिसाब से कुर्ती में एस सच तो कोई कमी नहीं है कलर बहुत ज़्यादा डार्क है तो सी थ्रू वाला तो कोई सीन ही नहीं है विया करके देखाती हूँ कैसी लग रही है गाय जो मैंने पहला मीशो का कुर्ती हॉल किया था ना सबसे पहला तो मैंने इस तरह की कुर्ती मंगवाई थी और तब भी सेम दिक्कत आई थी हर जगह से फिटिंग ठीक थी लेकिन जब कमर वाला पार्ट आता है ना वेस्ट एरिया वहां से अजीब सी टाइट आप देखो चेस्ट से कमर से कितनी ज़्यादा ढीली है लेकिन आप इस वाले पार्ट से देखो ना ये कितनी अजीब सी ऐसे स्ट्रेट करने पे यहाँ से देखते हैं कितनी टाइट हो गई है और कितनी बुरी लग रही है ऐसी ये टाइट की ऐसे करके वो ढीली सी ये कुर्ती आ रही है उन्होंने स्टिचिंग वाली दिक्कत है इसमें या तो आप साइज अप करके अपने अकॉर्डिंग टेलर से फिटिंग कर सकते हो आप खुद फिटिंग कर सकते हो क्योंकि जिस रेंज में ये कुर्ती है ना वो भरे उतने में तो मुझे लगता है कपड़ा और सिलाई बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है आप देख सकते हो कितनी प्यारी ये कुर्ती लग रही है वैसे राउंड नेक इसमें

इसको मैं कुछ रेटिंग नहीं दे रही हूँ नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइस ये जो कुर्ती है ये चार सौ आठ रुपए की दिखा रही है लेकिन जब मैंने इसको खरीदा था ये फोर सिक्सटी फोर रुपीज की कुर्ती थी इसमें चार कलर के ऑप्शन था हैं एक ब्लूइश में है एक बेज एंड ग्रीन एक ऑरेंज एक येलोइश ऑरेंज ऐसे कलर के ऑप्शन थे मैंने ये पिस्ता ग्रीन वाला कलर मंगवाया था ये 408 की दिख रही है इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल एम एल सारे साइज़ हैं और हर एक में ना थोड़ा थोड़ा लाइक प्राइस में फ़्लक्चुएशनस हैं रेन मटीरियल की ये कुर्ती है थ्री फोर्थ इसकी स्लीव है प्रिंटेड कुर्ती है एंड अगेन इसको दो लोगों ने एक्सीलेंट बोला हुआ है इसकी रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो मुझे लगा कि अब इतनी अच्छी कुर्ती है तो मंगवा के तो देखनी पड़ेगी ना साढ़े चार सौ रुपये के हिसाब से साइज जो मैंने मंगवाया है वो है एम और मैं आपको ये पहले कुर्ती दिखा देती हूँ बाप रे है। बहुत हैवी बहुत लॉन्ग बहुत घेर वाली कुर्ती है मुझे बहुत लूज आएगी लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है देख सकते हो इसका नेक में क्या है? इसका किस टाइप का कॉलर वाला डिज़ाइन है और कैसा कटआउट है स्लीव इसकी बहुत ज़्यादा लंबी है एक रेड कलर की पाइपिंग लगी मिल जाएगी दोनों तरफ ये डोरियाँ हैं जिससे आप थोड़ी फिटिंग दे सकते हो फिर वही जैसा मैंने बताई थी बीच बीच में फ्रॉक पैटर्न है यहाँ 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 अलग और बहुत ज़्यादा घेर वाली कुर्ती है मतलब जो हमारे इस की सबसे महंगी कुर्ती ना पाँच सौ वाली कुर्ती उससे ज़्यादा अच्छी मुझे ये लग रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा घेर है बहुत सुंदर इसके कलर हैं फैब्रिक बहुत ज़्यादा प्यारा वाला रेयॉन मटेरियल है मुझे काफ़ी पसंद आ रही है ये कुर्ती आप बटन वगैरह भी देख सकते हो पूरी बैग से देखो हाँ मैं पहन के दिखाती हूँ मुझे काफ़ी लूज़ आएगी लेकिन फिर भी आप समझ जाओगे कि इसका लुक कैसा आ रहा है चलो भैया करके आती हूँ गाइज अगर हम फिटिंग और साइज़ वाली चीज़ थोड़ा साइड रख देना क्योंकि ये साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है आ, उतना अच्छा नहीं लग रहा है मेरे ऊपर लेकिन ये कुर्ता बहुत ज़्यादा सुंदर है फैब्रिक बहुत स्मूथ है पूरा आप इसका लुक देखो इसकी लेंथ देखो मतलब घेर देखो कितना ज़्यादा घेर है कलर कॉम्बिनेशन कितने अच्छे लग रहे हैं इसके आप नेक भी देख सकते हो कैसा छोटू सा कॉलर वाला इसका नेक है स्लीव्स की लेंथ देखो पास से भी आप देख सकते हो ये जो बटन वगैरह लगे हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं पाइपिंग रिटेलिंग्स बहुत सुंदर है बैक से आप देखो

चूज़ करे मैंने कुर्ते और वो बहुत अच्छे निकल रहे हैं मज़ा ही आ गया थम्स अप अपे इसके लिए भी गाइस नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट जो हमारी कुर्ती है ना वो मैंने इसलिए मंगवाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्टाइलिश कुर्ती लगी हुई थी तीन सौ नौ रुपये के हिसाब से जॉर्जेट एम्ब्रॉयडरी धागे वाली कुर्ती है खाली कुर्ती कुर्ती आप देख सकते हो कैसी है पीछे ट्राइंगल आउट स्ट्रेट कुर्ती है जॉर्जेट मटेरियल में पूरा थ्रेड वाला वर्क हुआ हुआ है तो मुझे था कि देखते हैं कैसी आएगी और मैंने इसका साइज़ मंगवाया है स्मॉल पहली बात तो इस प्रोडक्ट से बहुत अजीब सी बदबू आ रही है जो बहुत ही गंदी बदबू है यकसमैन मैंने परफ्यूम लगाकर थैंक गॉड मैं अपना परफ्यूम ही सूंघ लूँ बहुत ही गंदी सी एक बदबू की मैं इसको वेयर तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी मतलब सच में बहुत बदबू आ रही है इसका जो जॉर्जेट का मटेरियल है ना बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है थोड़ा सस्ता वाला कह सकते थोड़ा चीप वाला जॉर्जेट यूज़ हुआ है ऑब्वियसली तीन सौ रुपये में और क्या ही यूज़ होगा और पूरे में आपको दिखे तो एक धागे वाला पूरा इसमें काम हुआ हुआ है ये स्ट्रेट कुर्ती है आपको दिखेगा इसमें आधे में अस्तर लगा हुआ है और आधे में अस्तर नहीं लगा हुआ है बिल्कुल लाइक ऐसा जीना जीन्स वीन्स जो आपने पहनी होगी वो दिखेगा साइड में आप देख सकते हो यहाँ ऐसे ऐसे खूब टाइप के बने हुए हैं थ्रेड टाइप का दिया हुआ है ये डोरी टाइप की दी हुई क्या आप यहाँ से ऐसे ऐसे क्रिसक्रॉस पैटर्न करके बांधने वाला चीज़ कर सकते हो तो मतलब थोड़ा और इस कुर्ती को स्टाइलिश बनाया गया है रेट के अकॉर्डिंग काफी ठीक लग रही है लेकिन मुझे नहीं पता इसके अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही है वो गत्ते की स्मेल नहीं होती जब गत्ता गीला हो जाता है तो वो डब्बे में से ऐसी स्मेल आने लगती है वैसी स्मेल इसमें आ रही है मन करा इसको थोड़ी देर ऐसे छोड़ दूँ बाहर इसकी पूरी बदबू निकल जाए तो परफ्यूम वर्फ्यूम डाल के मैं इसको थोड़ा पहनूँ और आप देखो पीछे से ये है इसका पूरा ट्राइंगल कटआउट स्मॉल साइज़ की कुर्ती है इसका पहले जब आप बटन खोलोगे खोल जा भाई ये पूरा ऐसे कटआउट है ईजिली पहन के आप इसको बंद कर दो पीछे ट्राइंगल है आगे इसका राउंड नेक है पूरी कुर्ती की लेंथ आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा लंबी कुर्ती नहीं है दोनों तरफ ही साइड में बांधने वाला है अब पहन के देखती हूँ कैसी लग रही है थोड़ी देर बाद पहनूंगी मतलब आपको तो लगेगा अभी पहन लेकिन मैं थोड़ी देर बाद पहनूंगी फिर बताती हूँ कैसी लग रही है एक घंटा हो गया इसको बाहर फैलाए हुए अब जाके इसकी वो गत्ते वाली स्मेल थोड़ी कम हुई है इस कुर्ती का पूरा लुक इसके बैक से है तो मैंने सोचा क्यों ना पहले इसका बैक दिखा दिया जाए कि इसका ट्रायंगल टाइप का बैक है यहाँ तक हाफ तक लाइनिंग लगी है आपको बाकी नीचे ऐसे ही जॉर्जेट का मटेरियल दिखेगा फ्रंट में भी सेम चीज़ है हाफ़ में लाइनिंग लगी है उसके बाद ऐसे ही ये जॉर्जेट का फैब्रिक ऐसे ही डला रहेगा इसके जॉर्जेट के फैब्रिक में पूरा ऐसा गुथा हुआ थ्रेड वर्क हुआ हुआ है जिसको आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा फाइन वो थ्रेड वर्क है राउंड इसका नेक है स्लीव्स आप देख सकते हो और आपको साइड में ऑब्वियसली लूप लूप सा अच्छा इतने प्राइस में अब इतना ही मिलेगा पूरी आप कुर्ती की लेंथ देख सकते हो ये एग्जैक्टली exactly नी तक आ रही है मेरे और बाकी बैक भी आपको मैंने बताया कि ये बटन खुलते ही इसका ये ट्राइंगल बैक है जो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ठीक लग रहा है इस प्राइस रेंज के हिसाब से अगर मैं कुर्ती देखूँ तो कोई इसमें कमी तो नहीं है क्योंकि इसमें जो धागा वाला वर्क है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा और फाइन हुआ हुआ है उस रीज़न से मैं इसको भी थम्स अप देती हूँ चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ लास्ट जो हमारी कुर्ती है वो है बहुत ही प्यारा सा अनारकली कुर्ता गाउन कुर्ती आप देख सकते हो इसमें कितने सारे कलर ऑप्शन है ब्लैक व्हाइट ब्लैक गोल्डन ब्लू और वाइट के साथ कुछ साढ़े तीन सौ रुपये की ये कुर्ती है इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल साइज से शुरू हो गया था लेकिन मैंने इसका साइज़ स्मॉल मंगवाया था वाइट कलर की कुर्ती है इसको भी जो एक्सीलेंट रेटिंग मिली है वो है पाँच हज़ार सात सौ लोगों ने इसको एक्सीलेंट रेटिंग दी है और टोटल जितनी इसको रेटिंग मिली है ना भाई वो तो बहुत ही ज़्यादा है और जो भी ये शॉप है उसको भी मतलब सेवेंटी फाइव थाउजेंड लोगों ने बहुत अच्छी रेटिंग दी हुई है तो डैट मीनस ये कुर्ता सच में इतना अच्छा था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मंगवा के देखा जाए कि यह है कैसा रेन फैब्रिक थ्री फोर्थ स्लीव्स की ये कुर्ती है प्रिंटेड कुर्ती है पूरी जो भी सब कुछ हुआ हुआ है वो प्रिंट हुआ हुआ है अब ये है आपके सामने कुर्ती ठीक है आप देख सकते हो कलियों वाली ये कुर्ती है बड़ी बड़ी कलियां हैं इसमें नारकली में और पूरा प्रिंट हुआ हुआ है राउंड इसका नेक है थ्री फोर्थ इसकी स्लीव्स है आप देख सकते हो पूरा प्रिंट हुआ हुआ है दोनों तरफ ना आपको ऐसे डोरी मिल जाएंगी अगेन ऐसे बांधने के लिए तो आपको फिटिंग वाला चीज़ मिल जाएगा इसके नीचे अस्तर नहीं लगा हुआ है वाइट कलर की कुर्ती है नीचे बहुत चौड़ा सा बॉर्डर है सी थ्रू तो नहीं लग रही है थोड़ा गफ़ है इसका मटीरियल बाकी मैं पहन के आती हूँ आप समझ ही गए हो पूरा प्रिंट प्रिंट वाला कुर्तियाँ मैंने बताया कि अभी तो ये कुर्तियाँ अच्छी लगती है लेकिन लॉन्ग रन में यूज़ के बाद सारा प्रिंट थोड़ा फीका पड़ जाता है लेकिन तब तक इसकी कीमत वसूल हो जाती है तीन सौ साढ़े तीन सौ रुपये के हिसाब से विया करके आती हूँ गाइस ये कुर्ती बहुत अच्छी लग रही है फैब्रिक मटेरियल भी स्मूद है आप पहले पूरा इसका एक बार लुक देख लो कुर्ती का क्या लुक आ रहा है इसमें भी दोनों डोरियाँ थी वो मैं पीछे बांध चुकी हूँ जिससे काफ़ी अच्छी फिटिंग मिल गई है आप कुर्ती की लेंथ भी देख सकते हो और कितना इसमें घेर है ये भी आप देख सकते हो ठीक है अब जो एक कमी मुझे फील हुई वो साइज़ की वजह से हो रही है मे बी ये इसकी स्लीव्स मुझे बहुत ज़्यादा टाइट है यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ऐसे करने पे कितना ज़्यादा लाइक मेरा हाथ पिच रहा है यहाँ से तो फिर भी ठीक है इन्होंने ये चीज़ मतलब ये स्टार्टिंग दोनों बहुत छोटी बना दी है कि लिटरली खून रुक रहा है ऐसा हो रहा है कि मोड़ने में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ये मुझे टाइट हो रहा है अगर हम साइज़ अप करें क्या पता ये प्रॉब्लम ना हो लेकिन फिर वो आ पूरी ऑल ओवर कुर्ती बहुत ज़्यादा ढीली हो जाएगी तो ये जो फ़िटिंग और का इशू है ये ना थोड़ा ज़्यादा है ऑब्वियसली बाकी आप देख सकते हो शोल्डर्स परफेक्ट है चोली परफेक्ट है इसकी लेंथ परफेक्ट है इसकी कलियाँ बहुत अच्छी लग रही है बहुत डिसेंट वाइट प्यारी सी कुर्ती लग रही है अगर ये वाला इशू ना होता तो ये कुर्ती बिल्कुल परफेक्ट थी बस इसके इस वाले इशू से मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ हो गई हूँ इस कुर्ती को लेकर ऑब्वियसली इतनी टाइट तो मैं पहनूंगी ना और इसके अंदर कहीं भी लाइक एक्स्ट्रा क्लोथ नहीं है कि मैं खुलवा लूँ तो साइज़ अप करना पड़ेगा क्या पता ये इसी कुर्ती में और कुर्तियों में नाएँ दिक्कत हो तो बस इसमें यही दिक्कत है बाकी पूरा लुक और आप पास से भी देख सकते हो इसका प्रिंट व्रिंट आपके सामने है कि आपको कैसा लग रहा है चलो एनी मैं आपको नेक्स्ट कुर्ती दिखाती हूँ सो गायस दैट्स इट ये थी मेरी पंद्रह कुर्तियाँ जो मैंने ट्राई की और मेरी कुत्तों वाली हालत हो गई है सो आई होप आपको ये सारी की सारी कुर्तियाँ पसंद आई होंगी मुझे काफ़ी अच्छी लगी अकॉर्डिंग टू द प्राइस जो आपको कुर्तियाँ मिल रही हैं ऑप्शन मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी अदर मैंने पहले जो हॉल करे उसमें काफी लोगों के रिप्लाई थे कि भाई इतनी महंगी कुर्ती हम तो नहीं ले पाएंगे हमें तो बजट वाली कुर्तियां चाहिए तो मैं इस हॉल में प्रॉपर ये चीज मैंशन करूंगी कि प्रॉपर बजट वाली ये कुर्तियां हैं मैंने प्रा जो मैंने प्राइस रेंज सेलेक्ट की थी वो बहुत ज़्यादा सही है और उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी कुर्तियाँ मिल रही हैं कुछ कुछ अनार वाली कुर्तियाँ गाउन वाली कुर्तियाँ तो ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा अच्छी थी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी आई होप आपको मेरी चॉइसेस अच्छी लगी होंगी आप कनेक्ट कर पाएंगे मेरी चॉइसेस से आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया प्लीज़ मेरी वीडियो में कमेंट ज़रूर कर दिया करो लाइक ज़रूर कर दिया करो और ये हमेशा बता दिया करो कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी कुर्ती लगी और आप नेक्स्ट देखना चाहते हो मैं आपके लिए वो जरूर लेके आऊंगी बस ऐसे ही मेरी वीडियो को आप प्यार देते रहिए मैं यहां बैठी हूं आप सबका प्यार बटोरने के लिए चलो जल्दी ही मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ओके बाय बाय गाइस लव